उस तो सपने बहुत बड़े होते हैं पूरा करने के लिए, हमें ही हम कहीं ये सोचें कि हमारे सपने और कोई पूरे करे, ऐसा कुछ नहीं है। हमें सपनों से हमें खुद लड़ना पड़ता है, या हमारे सपने हमारे आगे या हमारे सपने हमारे पीछे। जो भी सपनों के पीछे भागेगा वही सक्सेसफुल हो पाएगा, दुनिया की हकीकत बात है। जिंदगी का एक कड़वा सच बताता हूँ, जो आपके अपने होंगे जो भी आप उनको बात बताएंगे वो एकदम गौर से सुनेंगे और आप लोगों को अच्छा बोलेंगे, और जो भी आपका दुश्मन होगा आप उसको चाहे जितना प्यारी बात बोल दो वो आपको हर बीच में आपकी बात चलने ही नहीं देगा, अपनी ही सुनाएगा कि मैं भाई ये हूँ मैं वो हूँ मैं फलाना हूँ मैं धमाका हूँ। यही दुनिया की हकीकत है। चाहे अभी से इसी वक्त से ये इस बात को नोटिस करके देखो, फिर मुझे कमेंट करके बताना कि अपना कौन है पराया कौन है। दोस्तों मैं अभी एक मंदिर में गया था, मंदिर के बाहर जाके देखा, मैं पहले मंदिर के अंदर गया, पूजा पाठ करी, प्रसाद चढ़ाया भगवान जी को, ठीक। उसी के सामने पांच छोटी छोटी बच्चियां नहीं होती जैसे भीख मांगती है, वो लोग बैठे हुए थे, मैंने उनको देखा यार कि सबसे ज्यादा दिक्कत उन लोगों को है भाई, बस लगता है कि गरीब है बेचारा, ये है वो है, मगर उनकी भी एक छोटी सी जिंदगी है। उस छोटी सी जिंदगी में जाके जब मैंने देखा तो एक बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी, ना उसमें यार अमीरी है, जब उनके घर जाओगे ना जब पता चलेगा, ना उनमें अमीरी है ना गरीबी है, जैसे हमारी लाइफ है ना वैसे ही उनकी भी लाइफ है, जैसे हम खा रहे हैं वैसे वो भी खा रहे हैं, जैसे हम सो रहे हैं वैसे वो भी सो रहे हैं, बस फर्क बस इतना है उन हमारे पास पक्के घर हैं, उनके पास कच्चे घर हैं, मगर दिल गरीबों का बहुत बड़ा होता है दोस्त। क्योंकि एक छोटी सी बात बोलूँगा, मैं किसी दिन खाना खा रहा था एक जगह, खाना खाते खाते सच बोलूँगा दुकान पे गया, दुकान पे खड़ा हुआ 5 मिनट, उसको बोला भाई नान की प्लेट लगा दे 40 रुपये, लगाया भाई, जैसे ही लगाया एक बच्ची आई भाग के, पैर आके पकड़ लिया मेरा, फिर मुझे पता चला वो कह रही भैया खिला दो, जब मेरे जेब में पैसे नहीं थे मगर मैंने उसको खिलाया, इसलिए क्योंकि मैं तो अपनी भूख बर्दाश्त कर सकता हूँ मगर छोटे बच्चे भूख नहीं बर्दाश्त कर सकते। प्लीज़ आप लोग जब भी आप लोगों के पास, ये तो नहीं कहता कि आप लोगों के पास पैसे हैं या भरे पड़े हैं, ऐसा कुछ नहीं, आप लोगों को बस जब भी मौका मिले तो किसी अच्छे लोगों का मदद जरूर करें, या मेरे साथ एनजीओ से मेरे जुड़े, यूडी ट्रस्ट के नाम से है, उसमें हम फ्यूचर में, अभी तो नहीं फ्यूचर में, उनके लिए बहुत कुछ करेंगे जो कि आने वाली वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा। इसलिए गरीबों को सपोर्ट करें, ना कि उनको दुश्मनी या घमंड दिखाएं, समझे। वीडियो अच्छी लगी, बाय।